हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग अपने क्लास में कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं और इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग कक्षा 11 भूगोल। और इसमें हम लोगों को आज अगला अध्याय देखना है और इसके पहले हम लोग 7 अध्याय तक पढ़ चुके थे। इसके बाद अध्याय 8 में दिया गया है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। अब आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की, तो ये वायुमंडल क्या है और इसके बारे में भी जानकारी हम लोग आज लेते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है और इसकी संरचना कैसे है। तो यहाँ पे एक आपको चित्र बना हुआ है और इस चित्र में आपको पूरा फिगर नजर आ रहा है कि वायुमंडल क्या है और किन किन मंडलों में ये विभाजित हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले एक चीज नजर आएगी कि कंपोजिशन क्या है। अब ये कंपोजिशन संगठन वायुमंडल का संगठन किस तरह हो सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। शुरुआत से ही होता क्या है कि पृथ्वी में धीरे धीरे अलग अलग कंडीशन आई और उसमें जो वायु है मेन चीज क्या है, वायु। यहाँ पे वायु शब्द लगा हुआ है, इस चीज को गौर करिए आप। वायु क्या है, पृथ्वी में जीवन का स्रोत है। यदि कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, सेकंडों के लिए भी इस पृथ्वी के आसपास से वायु को हटा लिया जाता है तो यहाँ पे जीवन नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में वायु ही जीवन का मुख्य स्रोत है। और साथ में दूसरी तरफ ये भी कहते हैं हम लोग कि जल ही जीवन है, बिना जल के मानव का या किसी जीव का अस्तित्व भी नहीं है। ठीक इसी तरह इस पृथ्वी पे जो मेन आधार है इस जीवन का वो क्या है, वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी सांस लेता है, प्राण वायु जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। अब जो वायुमंडल है वो दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से दो शब्द, एक शब्द है आपका वायु और दूसरा शब्द है मंडल, वायु प्लस मंडल। अब इसका अर्थ देखते हैं कि वायु का मतलब क्या होता है, गैस हवा, और मंडल का मतलब है चारों ओर आवरण। जो आवरण होगा उसको हम मंडल कहेंगे। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि वायुमंडल का मतलब गैसों का एक विशाल घेरा, और जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको कहेंगे वायुमंडल। अब पृथ्वी में चूंकि जीवन है, जीवन यहाँ पाया जाता है, तो इसलिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, उसमें ढेर सारी गैसों का मिश्रण है। और फिर क्या होता है कि उसी मिश्रण से जो है बहुत सारी गैसें होती हैं, अपने अपने घनत्व के अनुसार वो स्थान क्या करती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, और फिर बहुत सारे जीव और वनस्पति उनके लिए ये गैसें आवश्यक है। खास करके जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही आवश्यक है, जबकि पेड़ पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि जिस ग्रह पे हम निवास करते हैं, किस ग्रह पे, पृथ्वी पे, तो जिस ग्रह पे हम निवास करते हैं उसके चारों ओर गैसों का एक बाहरी आवरण पाया जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यदि यहाँ पे हम एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र को हम देखते हैं, इस चित्र में क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक रचना की, एक पृथ्वी की। मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के चारों ओर लेयर में, अलग अलग लेयर में वायु का क्या है, घेरा बना हुआ है। इसके चारों ओर वायु का घेरा हुआ है, पृथ्वी को ये घेरे हुए है। और इसमें
ढेर सारी गैसों का मिश्रण भी है। अब ये देखते हैं कि जो वायुमंडल की गैसें हैं ये कितनी मोटाई में होगी, ये भी अनुमान लगाया जाए। तो पृथ्वी से लगभग कई सौ किलोमीटर दूर तक ये आवरण छाया है, पृथ्वी के बाहर तक ये आवरण छाया हुआ है और हमारी पृथ्वी बीच में उसके बिल्कुल सुरक्षित है। यदि हम और कुछ बात करते हैं तो जो वायु है ये पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने परसेंट है, 99% है, 99% है पृथ्वी के द्रव्यमान का, ये 99% है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है हमको कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो वायुमंडल का संगठन हो रहा है, इस संगठन में पृथ्वी जो विद्यमान है और उसके सामने चारों तरफ वायुमंडल है, इसमें सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये विद्यमान है और पृथ्वी के सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये स्थित है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये स्थित है। और ये वायुमंडल कैसा है, इसका कलर कैसा है, ये रंगहीन है, गंधहीन है, और ये पवन इसमें बहती है, हवा बहती है। इसके अलावा यदि हम कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन क्या, वायुमंडल का संगठन, किन किन चीजों से मिलके हमारा वायुमंडल बना हुआ है, अब कौन कौन सी चीजें हैं। अब इसके जो ऊपरी भाग है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, वो लगभग ऊंचाई में जाएंगे तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक में किसकी मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन गैस की। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है, ये लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये व्याप्त है इस वायुमंडल में। इसके अलावा और कौन कौन सी गैसें हैं इसमें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन गैस भी है इसमें, ठीक है, जल वाष्प है, धूल के कण हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। और इस CO2 में क्या होता है, ये महत्वपूर्ण गैस है और सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी है, इसका मतलब सौर विकिरण इसमें रुकता है। और इसके अलावा से जो सौर विकिरण है, ऊष्मा है, इसका कुछ हिस्सा ये सोख लेती है और कुछ हिस्सा ये पृथ्वी को भेज देती है। इसके अलावा पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, ये प्रभाव उत्पन्न हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और दूसरी जो गैसें हैं उनका आयतन स्थिर होता है और क्या होता है, इससे वैश्विक तापन भी बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, इमेजिन दैट, आप चित्र में देखें कि जो हमारी पृथ्वी है, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अब क्या होता है, इस सूर्य से, ये जो सूर्य बना हुआ है, यहाँ से अब किरण चली, रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण आ गया, तो यहाँ से कुछ हिस्सा इसने सोखा, कुछ हिस्सा ये पृथ्वी पे पहुंचा। अब पृथ्वी से जब ये रिफ्लेक्ट हो करके पुनः ऊपर जाएगा वायुमंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, किसके कारण, CO2 की अधिकता के कारण, ये टेम्परेचर जो पृथ्वी के अंदर आ गया था, ये अब बाहर विकृत नहीं हो पाएगा और पृथ्वी के अंदर ही अंदर ये हीट बनाएगा, वातावरण को गर्म करना शुरू करेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोबल
वार्मिंग बोलते हैं। तो इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्रदूषण हो रहा है, अन्य गैसें हैं आपकी मीथेन वगैरह है, कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित गैसें हैं, ये पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में छा जाती हैं और ताप का विकिरण ये नहीं करने देती। इसके बाद दूसरी हमारे पास गैस, प्रमुख गैस हो रही है, जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं। अब ओजोन गैस की हम लोग बात करते हैं। ओजोन गैस, यहाँ पे नाम बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसका उपयोग, ये पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहलाती है, ये गैस पृथ्वी का रक्षा कवच कहलाती है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये गैस पृथ्वी के चारों ओर छाई हुई है। और इस गैस को एक तरह का हम फिल्टर भी कह सकते हैं। तो वायुमंडल का ये फिल्टर है। क्यों फिल्टर है? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, वो जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, ये रेजों को ये रोक लेती है, नकारात्मक किरणों को, हानिकारक किरणों को ये गैस रोक लेती है और पृथ्वी में नहीं आने देती है, अवशोषित कर लेती है और इसके दुष्प्रभाव से हमारी पृथ्वी और हमारे जीव जंतु सब लोग बचते हैं। इसीलिए इस गैस को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। इसके अलावा हम और आगे देखते हैं कि कुछ गैसें और हैं और इनकी एक सूची बनी हुई है हमारे सामने। इस सूची को भी देखें कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में विद्यमान है, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर बना लीजिएगा। और इसमें दिया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सभी गैसें हैं, तो इन गैसों का आप डिटेल इसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों को और भी चीजें कुछ देखनी है। इस वायुमंडल में जल वाष्प पाई जाती है और धूल के कण भी पाए जाते हैं और इन सब से मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना हुई है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये क्या है और वायुमंडल के संगठन में किन किन चीजों का योगदान होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स आप क्लियर कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।